बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक सच्ची और सबक आमोज कहानी लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलें कहानी की तरफ आते हैं। दिलावर बहुत खूबरू नौजवान था। अपने इलाके में सबसे ज़्यादा बहादुर और जंगजू भी मशहूर था। उसका बाप लोहे का कारोबार करता था। उसका बाप चाहता था कि दिलावर कारोबार में उसका हाथ बटाए, अपनी जहानत से कारोबार को मज़ीद बढ़ाए, लेकिन उसके बरक्स दिलावर को कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलावर सैर सियाहत और शिकार करने का शौकीन था, साथ ही माहिर निशानेबाज भी माना जाता था। अपने दोस्तों के हमरा वो अक्सर शिकार की गर्ज से दूर दराज मकामात पर चला जाता और कई कई दिन वापस ना आता। उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते क्योंकि वो इनकी इकलौती औलाद था। उन्हें दिलावर से बहुत उम्मीदें थीं जो फ़िलहाल पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। नवाज़ खान शाम को घर लौटा तो दिलावर अपनी माँ की गोद में सर रखे लाड उठवाता नज़र आया। दिलावर ने अपने बाप को देखा तो फ़ौरन सीधा हो गया और सलाम किया, सलाम अलैकुम बाबा। वो मुअद्दिब सा था, वालेकुम सलाम, जीते रहो, कब लौटे बेटे? दिलावर ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, फिर तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर मत चले जाना, नवाज़ खान ने अपने कमरे की तरफ भरते हुए उसे कहा। दिलावर ने सर हिलाकर जी कहा। कुछ ही देर में दोनों बाप बेटा आमने सामने बैठे थे, जबकि सफ़िया बेगम उनके लिए चाय बनाकर ले आईं। चाय पीते हुए नवाज़ खान ने दिलावर को देखा, जो आज खिलाफे मामूल खासा संजीदा नज़र आ रहा था। कैसा रहा तुम्हारा शुमाली इलाका जात का टूर? उन्होंने उसे मुखातिब किया। अच्छा रहा बाबा, बहुत मज़ा आया, दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इन्हें तफसील बताने लगा। अच्छी बात है बेटा, मगर मगर क्या? मैं चाहता हूँ कि अब तुम कारोबार की जिम्मेदारी भी उठाओ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब मज़ीद बोझ नहीं उठा सकता। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बाजू, तुम मेरा सहारा नहीं बनोगे तो फिर कौन बनेगा? इस उम्र में तो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, और एक मैं हूँ जो दिन रात बस पैसा बनाने के चक्कर में ही उलझा रहता हूँ। बस कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ, यही फिक्र रहती है। बेटा, अब मैं कुछ आखिरत की फ़िक्र भी करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि ये ज़िम्मेदारी अब तुम उठाओ। नवाज़ खान इतना बोलकर खामोश हुए तो दिलावर ने नहायत संजीदगी से बाप को देखा। बाबा, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह मैं एक दो दिन तक सारी ज़िम्मेदारी संभाल लूँगा। नवाज़ खान ने मुस्कुराकर बेटे को देखा। उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा, वरना वो तो हंस कर टाल जाता था। उन्होंने मुस्कुराहट छुपाकर दिलावर से कहा, बेटा दो दिन क्यों, कल से क्यों नहीं? बाबा, दो दिन तो इंजॉय करने देना, अब इतनी जल्दी आज़ादी तो ना छीने मुझसे, दिलावर ने शोखी से कहा। तो नवाज़ खान हंसने लगे। सफ़िया बेगम ने भी हंसकर दिलावर के सर पर हाथ फेरा, जबकि वो माँ बाप को खुश देखकर मुतमईन हो गया। दो दिन बाद दिलावर ने हकीकत में अपना कहा सच कर दिखाया। लाबालीपन और शोखी की जगह संजीदगी ने ले ली। नवाज़ खान इस तब्दीली पर हैरान थे और खुश भी। दिलावर ने कारोबारी मामलात को इतनी तेज़ी से संभाला था कि खुद नवाज़ खान भी दंग रह गए कि इसमें कारोबारी शख्स कहाँ छुपा बैठा था। महज दो माह के अंदर दिलावर ने पहले से कई गुना मुनाफा कमाकर बाप को खुश कर दिया। नवाज़ खान की आंखों में खुशी की चमक थी। फिर कुछ दिन बाद नवाज़ खान के कदमों ने जैसे ही अपनी आबाई सरजमीन को छुआ, उनके अंदर हलचल सी मच गई। उनकी नज़रों में अपना बचपन, लड़कपन और फिर जवानी के हसीन दौर गर्दिश करने लगे। कई खूबसूरत यादों ने उनका आगे बढ़कर इस्तकबाल किया था। वही गलियाँ, वही रास्ते थे, मगर वक्त बदल चुका था। इस छोटे से गांव में उन्होंने आंख खोली थी। ये जगह उनके माँ बाप की आखिरी आरामगाह थी। कितना जोर लगाया था उन्होंने कि वो शहर में जाकर अपने बेटे के साथ रहे, मगर वो नहीं माने। उसके माँ बाप अपनी ज़मीन छोड़ने पर राज़ी नहीं थे। नवाज़ खान की आंखें भीगने लगी थीं। उनके साथ बैठी सफ़िया बेगम ने शोहर की कैफियत को समझते हुए धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। तो नवाज़ खान ने हौले से मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछ लिए, जबकि दिलावर नहायत दिलचस्पी से इर्द गिर्द के मनाजिर देखने में महू था। वो तीनों नवाज़ खान के चचाजाद भाई महरोज़ की दावत पर आए थे। महरोज़ की बेटी की शादी थी। उन्होंने बहुत इसरार करके उन्हें शादी से 3 दिन पहले ही बुला लिया था। वो इनकार ना कर सके थे।
उनकी शानदार करोला गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एक छोटी मगर पुरशिकवा हवेली के सामने रुकी। हवेली के तमाम अफराद ने भरपूर इस्तकबाल किया। दिलावर अपने दो दयाली रिश्तेदारों की इस कदर चाहत देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद रात को सबने खूब महफिल जमाई। माजी की खुशगवार यादें तरोताज़ा हो गईं। नवाज़ खान के माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद तकरीबन 12 बरस बाद वो यहाँ आए थे। वो ख़ुद को अपनों के दरमियान बहुत महफूज और मजबूत समझ रहे थे। दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थे कि आखिर वो इतना अरसा अपनों से दूर क्यों रहे। छोटे से वाक्या ने सब बदल कर रख दिया था। भला वो क्यों खौफजदा होकर यहाँ से चले गए थे। वो माजी में गुम होने लगे। माजी की यादें उन्हें अपनी आगोश में ले चुकी थी। नवाज़ खान की जवानी का ज़माना था। आम नौजवानों की तरह वो खलंडर और लापरवाह से थे। अपने शरीर और शौक दोस्तों के हमरा ऐसे ऐसे कारनामे सारे अंजाम देते कि अकल दंग रह जाती। आजकल उन्हें निशानाबाजी सीखने का नशा चढ़ा हुआ था। अपने वालिद से ज़िद करके बंदूक भी ख़रीद ली और अक्सर औकात निशाने की प्रैक्टिस के लिए गांव से बाहर खुले मैदान में चले जाते और कई कई घंटे निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते। इस खुले मैदान और उसमें मौजूद कदीम बड़े से बरगद के दरख्त के साथ अजीबोगरीब सी दास्तानें जुड़ी हुई थीं। मसलन कुछ लोगों का ख्याल था कि यहाँ भूत का बसेरा है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि किसी नेक बुजुर्ग जिनका ख़ानदान यहाँ रिहाइश रखता है। अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें। नवाज़ खान कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। आज भी वो शाम होते ही मैदान की तरफ चला आया। उसका इरादा था कि वो मगरिब से पहले घर चला जाएगा। उसने बंदूक लोड की और दरख्त के तने का निशाना बांधा। अभी उसने उंगली ट्रिगर पर रखी ही थी कि उसकी नज़र बरगद के दरख्त पर बैठे हुए दो खूबसूरत परिंदों पर पड़ी, जो इर्द गिर्द से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। नवाज़ खान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने बंदूक का रुख उनकी तरफ कर दिया। एक के बाद दूसरा धमाका हुआ। दोनों परिंदे तड़पते हुए ज़मीन पर गिरे और साकित हो गए। नवाज़ खान कामयाबी के नशे में था। दरख्त के नीचे आन खड़ा हुआ, झुककर उन परिंदों को उठाना चाहा, मगर अगले ही लम्हे उसे झटका सा लगा क्योंकि दोनों परिंदे गायब हो चुके थे, वो भी उसकी आंखों के सामने। ज़मीन पर सिर्फ खून ही था। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ तो वो खौफ से कांप गया। वो तेज़ी से बरगद के दरख्त से दूर होता चला गया। उसकी आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा था कि बरगद का दरख्त जड़ों समेत ज़मीन से निकल कर चल रहा है, उसके पत्तों से खून के कतरे और आग के शोले लपक रहे हैं। वो चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। नवाज़ खान होश से बेगाना हो गया। दो दिन बाद उसे होश आया था। वो बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द देख रहा था। उसे होश में आता देख कर उसके माँ बाप तेज़ी से उसकी तरफ लपके। नवाज़ पुत्र तो ठीक तो है ना, उसकी अम्मा बेकरारी से बोली। मुझे यहाँ कौन लेकर आया था अम्मा? तुझे अजीम भाई यहाँ लेकर आए थे खुले मैदान से। वो उधर से अपनी बकरियाँ लेकर गुजर रहे थे। उन्होंने तुझे ज़मीन पर गिरते देखा तो फौरन तेरी तरफ दौड़े। नवाज़ के अब्बा, बातें बाद में कर लेना, पहले हकीम साहब और इमाम साहब को भी बुला लाओ। अरे मैं भी किन सोचों में उलझ गया, अभी जाता हूँ। नवाज़ के अब्बा फौरन बाहर को लपके। कुछ ही देर में हकीम साहब, इमाम साहब और अजीम भाई भी आन पहुँचे। हकीम साहब ने नवाज़ का मुआयना किया। अब ये बिल्कुल ठीक था, खतरे वाली कोई बात नहीं। हकीम साहब की बात पर नवाज़ की वालदा ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। हकीम साहब के जाने के बाद इमाम साहब नवाज़ की तरफ मतवज्जो हुए। हाँ नवाज़ बेटा, बोलो खुले मैदान में तुमने ऐसा क्या देख लिया था? नवाज़ पहले तो चुप रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पूरी तफसील से वाक्या सुना दिया, जिसे सुनकर आहिस्ता आहिस्ता इमाम साहब के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। तो ये बात है। इमाम साहब ने कागज़ कलम संभाला, उस पर चंद आड़ी तिरछी लकीरें खींची, फिर अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गए। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ भी रहे थे। फिर उन्होंने गर्दन ऊपर उठाई और एक नक्श तैयार करके नवाज़ को दे दिया। ये गले में पहन लो, ये तुम्हें उन शैतानी जिन्नात से महफूज रखेगा। खुशकिस्मत हो कि अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद कोई नेकी तुम्हारे काम आ गई जो अजीम वहाँ पहुँच गया। इमाम साहब कुछ तफसील से आगाह कीजिए, आखिर वो जिन्नात मेरे दुश्मन क्यों बन गए? नवाज़ खान हैरत से उन्हें देख रहा था। बेटा, तुमने अनजाने में उनके दो सरदारों को मार डाला है जो कि दो खूबसूरत परिंदों के रूप में थे। उस वक्त वो इंतहाई तैश और गुस्से में है, अपने सरदारों की आखिरी रसूमात में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, वरना अब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। बहरहाल अल्लाह का करम है कि तुम सही हमारे सामने हो। इससे पहले कि वो शैतानी जिन्नात इंतकाम लें,
मैं उस दरख्त के गिर्द हिसार खींच देता हूँ ताकि वो इस हिसार से बाहर ना निकल पाएं, वहीं कैद रहें। इमाम साहब ने कहा तो नवाज फिक्रमंदी से बोला, यह हिसार कब तक कायम रहेगा? क्या उससे नुकसान ना होगा? बेटा, हिसार कायम ही हिफाजत के लिए किया जाता है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता। और यह हिसार इस वक्त कायम रहेगा जब तक उसे कोई तोड़ने की कोशिश ना करे। ठीक है इमाम साहब, आप ये नेक काम आज ही कर दीजिए, देर मत कीजिए, मैं आपको मुआवजा भी देने को तैयार हूँ, नवाज के अब्बू बोले। इमाम साहब हंस दिए, मैं रुपये पैसे का लालची नहीं हूँ, मैं ये काम लोगों की भलाई के लिए फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। आज रात इशा के बाद हिसार खींच दिया जाएगा, बस तुम लोग मोहतात रहना और खुले मैदान की तरफ दोपहर के वक्त जाने से गुरेज करना। इमाम साहब की नसीहतों पर नवाज सर हिलाने लगा था। इमाम साहब चले गए तो अजीम भी कुछ देर उनके पास बैठकर चला गया। बेशक नवाज ऊपर से मुतमईन हो गया था, मगर अंदर ही अंदर वो बेचैनी का शिकार था। सारी रात वो ठीक से सो ना पाया। इमाम साहब ने तो अपने कहे पर अमल कर दिया था, लेकिन नवाज खान जहनी तौर पर खौफजदा हो चुका था। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। उसके वालदैन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी जहनी कैफियत को देखते हुए उसे जाने की इजाज़त दे दी, मगर साथ ही उसकी शादी अपने मरहूम भाई की बेटी सफ़िया से कर दी। यूँ वो अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया और आज पूरे 12 बरस गुजर जाने के बाद फिर इसी गांव में मौजूद था। उसके दिलो दिमाग से ये वाक्या कब का मिट चुका था, लेकिन बातों बातों में खुले मैदान का जिक्र आते ही तमाम वाक्या फिर से उसके दिमाग में ताज़ा हो गया। वो अपने दिल और दिमाग से तमाम खदशात और वहमात को निकाल चुका था। इमाम साहब का दिया हुआ तवीज़ भी न जाने इतने सालों में कहाँ गुम हो गया था। सब कज़न्स मेहंदी की रात से कबल गाँव की सैर को निकले कि दोबारा वक्त मिले या ना मिले। इस वक्त वो सब खुले मैदान में जमा थे जहाँ इस दरख्त से जुड़ी कहानियाँ जेरे बहस थी। यार, अपने बड़ों से सुना है कि यह बरगद का दरख्त कई साल पुराना है, शायद 100 साल से ज़्यादा, इंतहाई पुरसरार और खौफनाक भी। ख़ास तौर पर तारीख रातों में इससे अजीब सी रोशनी निकलती है। दिलावर खामोशी से दरख्त का जायज़ा ले रहा था। जाहिद की बताई गई बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो भूतों का बिल्कुल कायल नहीं था। उसके ख्याल में ये सब मावराई कहानियाँ थीं जो अभी तक लोगों के जहन में बैठी थीं। नवाज़ खान ने दिलावर को अपने साथ पेश आने वाला वाक्या भी बताया था, जिसे वो मानने से इनकार कर गया। उसके ख्याल में ये सब उसके वालिद की आंखों का धोखा था, या फिर अंदरूनी खौफ जो उसे ये सब दिखाई दिया। बहरहाल, इस वक्त वो उस कदीम दरख्त के पास खड़े थे जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और इसमें यह दरख्त अजीब सी वहशत का समा पैदा कर रहा था। वो सब वापसी के लिए जाने लगे तो दिलावर ने उनसे कहा, अब आ ही गए हैं तो क्यों ना इस दरख्त के नीचे चलें और चलकर महसूस तो करें इसकी पुरसरारियत को। तौबा करो, मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगा, फैसल ने कानों को हाथ लगाया। देखो तो सही, ऐसे लग रहा है जैसे कोई खून अशाम बला हो जो हमें दबोचने के लिए बेकरार खड़ी है। अरे, मैं तो जाऊँगा और इसे छू कर महसूस करूँगा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर दरख्त के तने को छुआ। अरे, ये कितना मुलायम! अभी ये लफ्ज़ उसके होंठों से अदा भी ना हुए थे कि एकदम जैसे भूचाल आ गया। दरख्त इधर से उधर झुकने लगा, शाएं शाएं की आवाज़ पैदा होने लगी जैसे सख्त तूफान आ गया हो। दरख्त पर बैठे अजीब किस्म के परिंदे इंतहाई ड्रावनी आवाज़ें निकालने लगे। दिलावर सहम कर दरख्त से दूर हटा। उसके कानों में बैन करने की आवाज़ें आने लगी। बहुत गमजदा सी चीखें आहें बुलंद हो रही थी। इससे पहले कि दिलावर के हवास साथ छोड़ते, वो तेज़ी से वापसी के लिए मुड़ गया। जाहिद, फैसल और बाकी सब ही हैरत और खौफ से बुत बने खड़े थे। वो जैसे तैसे उन तक पहुँचा। चंद कदम का फासला उसने घंटों में तय किया था। जल्दी निकलो, वो फूली सांसों के साथ बोला। उड़ी रंगत, तेज़ सांसें और हवास बाख्ता दिलावर इंतहाई खौफजदा था। सब ने गांव की जानिब दौड़ लगा दी। हवेली पहुंचकर दम लिया। शुक्र है कि किसी का सामना नहीं हुआ, वरना सबके सवालों के क्या जवाब देते, क्योंकि उनके बड़ों ने सख्ती से उन्हें वहां जाने से मना किया था। लेकिन अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो वहां जा पहुंचे। सब सही सालम घर पहुँचने पर शुक्र अदा करते। आइंदा वहाँ जाने से वो सब तौबा कर चुके थे। नवाज खान रात को सोते हुए एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठे। सफिया बेगम उनके पहलू में थी, वो भी जल्दी से उठ बैठी। क्या हुआ? शोहर को देखते हुए पूछा। नवाज खान पसीने में भीगे हुए थे, रंगत भी जर्द थी। पानी दो, वो अटकते हुए बोले।
तो सफ़िया बेगम ने जल्दी से टेबल पर पड़ा हुआ जग उठाकर ग्लास में पानी निकाला और शौहर को दिया। नवाज़ खान एक ही सांस में सारा पानी पी गए। सफ़िया परेशानी से शौहर को देख रही थी। ग्लास टेबल पर रख कर वो दोबारा उनको देखने लगी। बोलिए ना, क्या हुआ? सफ़िया, जिन्नात आज़ाद हो चुके हैं। क्या मतलब? वो उलझ गई। बरकत के पेड़ का हिसार टूट चुका है, नवाज़ खान ने कहा। मगर ऐसे कैसे टूट सकता है, और आपको कैसे पता चला? वो परेशानी से बोली। मैंने ख्वाब देखा है, अजीब सा ख्वाब था। वो शख्स था अजीब, बड़े बड़े हाथों वाला, सियादार आँखें जिनमें लाल डोरे थे। वो मुझे तनबीह कर रहा था कि हिसार टूट गया है, मोहतात हो जाओ। इतने साल कैद में रहकर बदले की आग मज़ीद सुलगी है, खैर मनाओ अपनी। और उसके बाद वो दहशतनाक सा कहकहा लगाता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। नवाज़ खान खामोश हुए तो सफ़िया बेगम ने तसल्ली देने वाले अंदाज में शौहर के कंधे पर हाथ रख दिए। ये ख्वाब था, ख्वाब समझकर भूल जाएं, खुद पर हावी मत करें। आप जब से आए हैं इस वाक़े को हज़ार बार याद कर चुके हैं, ये सब उसी वजह से है। बेफिक्र होकर सो जाएं, हिसार भला ऐसे कैसे टूट सकता है। पुरसकून रहें और इसको दिमाग से निकाल दें। बीवी के कहने पर नवाज़ खान ने सर तो हिला दिया, पर अंदर से बेचैन हो चुके थे। महरोज़ की बेटी की मेहंदी की रात थी। सब लड़के अपने अपने ज़िम्मे लिए गए कामों में मसरूफ़ थे, जबकि दिलावर फैसल पर बरस रहा था। यार ये क्या शादी वाला घर है, ना ढोलक, ना गाना, ना डांस, कोई म्यूज़िक चलाओ। यार दिलावर, तुम मुझ पर क्यों बरस रहे हो? जाकर देखो तो सब इंतज़ाम हो चुका है, बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना, फैसल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो दिलावर मुस्कुरा दिया, सॉरी यार, मैं तो सुबह से कमरे में था, मुझे इल्म नहीं। कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। चलो फिर जल्दी से फ्रेश होकर लॉन में आ जाओ और अपनी पसंद का म्यूज़िक चलाओ, फैसल ने कहा। तो वो सर हिलाता हुआ गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। दिलावर की तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से शादी के कामों में वो हाथ नहीं बटा सका, जबकि वो खासा शर्मिंदा था कि सब कज़न्स कामों में लगे थे और वो खुद बीमार बनकर आराम कर रहा था। नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और लॉन में आ गया, जहां अच्छी खासी रौनक लगी थी। बहुत से मेहमान आ चुके थे, कुछ आने वाले थे। दुल्हन को तैयार करने के लिए गाँव में मौजूद एक ब्यूटी पार्लर लेकर गए हुए थे। अभी मेहंदी का प्रोग्राम शुरू होने में खासा वक्त था। दिलावर चलता हुआ एक साइड पर सेट किए हुए डेक की तरफ बढ़ा, एक एक करके तमाम केसेट चेक करने लगा। उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने एक और केसेट चलाई तो वो धमाल थी। उसने नागवारी से उस केसेट को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके बदन को ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा। वो हैरान रह गया। अभी हैरत दूर ना हुई थी कि उसके बदन ने खुद ब खुद थरकना शुरू कर दिया। वो खुद पर काबू पाना चाहता था, पर बेबस होकर रह गया, क्योंकि कोई अनजानी ताकत उसके बदन पर कब्जा जमा चुकी थी। आसपास वाले हैरत से उसको देख रहे थे। वो अजीब अंदाज में नाच रहा था, पैरों की एड़ियों के बल वो घूमता जा रहा था। सब लॉन में जमा होकर तमाशा देख रहे थे। खुद नवाज़ खान और उसकी फैमिली वाले जम गए थे। जैसे जैसे धमाल के सुरताल मध्यम या तेज़ होते, उसी अंदाज में दिलावर का बदन भी हरकत करता। फिर सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। दिलावर ने बाजीगरों की तरह करतब दिखाने शुरू कर दिए। अपने बदन को तोड़ मोड़ कर अजीब अजीब सी शक्लें बनाता तो कभी सर के बल खड़ा हो जाता। ऐसे मालूम होता जैसे उसका जिस्म मोम हो, जैसे चाहो तोड़ मोड़ कर नई शक्ल दे डालो। दिलावर ने अचानक एक चुस्त लगाई और हवेली के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार को पकड़ कर लटक गया। नवाज़ खान पागलों की तरह चीख चीख कर उसे आवाज़ें दे रहे थे, मगर वो इस वक्त होश में कहाँ था। वो बिजली के तार पर चलने लगा, फिर हवा में उड़कर इधर से उधर जाने लगा। महरोज़ खान समझ गया कि ज़रूर किसी हवाई चीज़ के ज़ेरे असर है। उसने फौरन जाहिद को मस्जिद की तरफ दौड़ाया कि इमाम साहब को बुला के लाए। ये इमाम साहब उसी इमाम साहब के पोते थे जिन्होंने नवाज़ खान को नक्श बनाकर दिया था। सफ़िया बेगम दुल्हन के साथ गई हुई थी, वरना वो अपने जवान बेटे को इस हाल में देखकर ज़रूर बेहोश हो जाती। इमाम मस्जिद ने फौरन आकर डेक बंद करवाया, हिसार खींचकर बैठ गए और पढ़ाई करने लगे। फिजा में परवास करता दिलावर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो किसी अनदेखी कुव्वत से अपने आप को बचाते हुए बोल रहा था। इमाम साहब मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। आखिर किसी कुव्वत ने दिलावर को इमाम साहब के पास लापटखा। दिलावर उस वक्त सख्त ऐश में इमाम साहब को घूर रहा था। उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी। इमाम साहब ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। बोलो कौन हो तुम,
जलाली अंदाज में पूछा तो नवाज़ खान को झटका लगा, क्योंकि ये आवाज़ दिलावर की नहीं थी। ये आवाज़ तो वो ख्वाब में सुन चुके थे कि हिसार टूट चुका है इतने साल बाद। नवाज़ खान दहशत ज़दा सा साकित रह गया, उनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। नवाज़ खान हमें पहचानता है, हम वही जिन्नात हैं जिनके सरदारों को इसने बहुत साल पहले मार डाला था। और हाँ, हम कसम खा चुके थे और फिर तुम्हारे दादा ने हमें वहाँ कैद कर दिया था, वरना इतने साल से भी बहुत पहले हम अपनी कसम पूरी कर चुके होते। हम नहीं जाएंगे। देखो, इस मासूम को तो छोड़ दो, हरगिज़ नहीं। यही तो ज़रिया बना है हमें आज़ाद करवाने का। इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, जब मर जाएगा फिर छोड़ेंगे। आखिर हमारे सरदार भी तड़प तड़प कर मरे थे। पर तुम्हारा हिसार कैसे टूट गया? नवाज़ खान चीखे। तुम्हारा मुजरिम तो मैं हूँ, मुझे सजा दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नवाज़ खान की आवाज़ पर दिलावर के अंदर मौजूद जिन ने घूर कर उसे देखा और एक धाड़ मारी जैसे कोई शेर हो। तुम चुप रहो, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। देखो, इसे छोड़ दो वरना तुम लोगों को जलाकर खाक कर दूंगा, इमाम साहब जलाली अंदाज में बोले। सारे हरबे आजमा लो, हम नहीं जाएंगे, वो ज़िद्दी लहजे में बोला तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। दिलावर के कपड़ों को आग लग गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ। वो तकलीफ़ से करा रहा था, इमाम वजीफ़ा बंद कर दो वरना इसे जलाकर भस्म कर दूंगा, गुस्से वाली आवाज़ में कहा गया तो इमाम साहब बेबस होकर रह गए। वो समझ गए थे कि वो जालिम दिलावर के जिस्म से निकल चुका है और ये आग दिलावर को ही नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। दिलावर के बदन को ज़ोर से झटका लगा और कलाबाजियां खाने लगा। यूं ही कलाबाजियां खाता हुआ नवाज़ खान को लेता हुआ वो ज़मीन पर गिर पड़ा। नवाज़ खान ने इधर उधर अपने बचाव के लिए हाथ पाँव चलाए मगर गिरफ्त मजबूत थी। नवाज़ खान की गर्दन पर दबाव बढ़ता गया। सब लोगों ने सहम कर आंखें बंद कर लीं। महरोज़ ने आगे बढ़कर नवाज़ की मदद करनी चाही लेकिन इमाम साहब ने रोक दिया। नहीं, तुम अपनी जान से जाओगे, ये बहुत ख़तरनाक हैं, पूरा कबीला यहाँ मौजूद है, वो तुम्हें मार देंगे। महरोज़ खान बेबसी से रो पड़ा। सारे लोग गम और सदमे से निढाल थे। नवाज़ खान का मुर्दा वजूद जो लॉन में पड़ा था। दिलावर को फिर झटके लगने शुरू हो गए। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से भी खून आने लगा। वो तकलीफ़ से इधर उधर चकरा रहा था लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दे रहा था। दिलावर के सीने में दर्द उठा और वो नीचे गिरकर ठंडा हो गया। कुर्बो जवार में सन्नाटा छा गया, फिर शोर उठा। 12 बरस बाद, 12 बरस बाद। इमाम साहब ने सर झुका दिया, उनकी आँखों में आंसू थे। उन्होंने इशारे से महरोज़ खान को बुलाया। गम और सदमे से चूर महरोज़ खान उनके सामने फट पड़ा कि आखिर ये हिसार कैसे टूट गया इमाम साहब, वो भी इतने सालों बाद। आपके दादा मरहूम ने तो कहा था ये नहीं टूटेगा। हाँ, महरोज़ खान कहा था, पर इस हिसार की ख़ास बात ये थी कि अगर अमावस की तारीख रात में पैदा होने वाला शख्स इस दरख्त को छुएगा तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इतने वर्ष इसलिए खैरियत से गुजर गए कि इस रात को पैदा होने वाला कोई भी शख्स उसे छू नहीं सका। पर गुज़श्ता शाम दिलावर ने उस दरख्त को छुआ था। चूँकि वो अमावस की रात पैदा हुआ था इसलिए उसके छूते ही हिसार टूट गया। पर इमाम साहब, दिलावर वहाँ कैसे पहुँचा? महरोज़ खान हैरान था। ये तो तुम अपने बच्चों से पूछो, उन्होंने फैसल और जाहिद पर निगाह डालते हुए कहा। महरोज़ खान ने फैसल को देखा तो उसने सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता सारा किस्सा सुनाया। हर शख्स गम की तस्वीर बना खड़ा था। सफ़िया बेगम पर तो कयामत टूट पड़ी थी, वो ज़हनी तौर पर नीम पागल हो गई। नवाज़ खान और दिलावर खान का जनाजा एक साथ उठा तो बच्चे बूढ़े सबकी आँखें भीग गईं। नवाज़ खान दिलावर की मौत के 2 साल बाद सफ़िया बेगम भी इंतकाल कर गईं। इमाम साहब ने मशवरा दिया कि बरगद के पेड़ को जला दिया जाए, पर हिम्मत कौन लाता? बरगद का दरख्त खुले मैदान में अपनी वहशत के साथ कायम रहा। आखिर कुछ बरस मजीद गुजर गए तो खुले मैदान में आबादी की नौबत आ गई। सबसे बड़ा मसला बरगद के पेड़ का था। महरोज़ खान के बड़े बेटे जाहिद ने हर तरफ अपने हरकाड़े दौड़ा दिए ताकि वो किसी आलिम बाअमल का बंदोबस्त कर सकें। आखिर एक आमिल बाअमल सैयद जमाल शाह मिल ही गए। उन्होंने हिसार खींचकर पढ़ाई की मगर उन्हें कुछ महसूस ना हुआ तो उन्होंने बताया कि जिन्नात जा चुके हैं, कोई ख़तरा नहीं। सो वो बरगद का पूरी सरार दरख्त नज़र आतिश कर दिया गया। खुले मैदान में इंसानी बस्ती बन गई, पर नवाज़ खान और दिलावर की कब्रें आज भी निशानी बनी हुई हैं।